तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट ये वर्ड काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, काफी बार एग्जाम में देखा हुआ वर्ड्स है ये। तो देखिए एफ्लुएंट मीन्स होता है अबाउंडिंग इन वेल्थ, यानी जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा होती है ना, वो व्यक्ति कैसा होता है, एफ्लुएंट होता है। मीन्स इसको हम अमीर बोल सकते हैं, अमीर या समृद्ध। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर होता है, समृद्ध होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एफ्लुएंट बोलेंगे। यानी अबाउंडिंग इन वेल्थ, यानी जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा होती है ना, वो व्यक्ति कैसा होता है, एफ्लुएंट होता है। तो इसके सिनोनिम्स की मैं अगर बात करूं, देखिए एफ्लुएंट यानी जो व्यक्ति अमीर होगा उसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, अमीर ही होना चाहिए, समृद्ध ही होना चाहिए। तो रिच होगा, रिच क्या होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिच। ओपुलेंट, ओपुलेंट मीन्स भी क्या होता है, धनवान होता है। जो व्यक्ति धनवान होता है, अमीर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपुलेंट बोलते हैं। तो ओपुलेंट भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। टीमिंग, टीमिंग मीन्स होता है भरा हुआ, भरा हुआ या परिपूर्ण भी बोल सकते हैं हम इसको। यानी कोई चीज है या कोई व्यक्ति है किसी चीज से परिपूर्ण है, यानी जो व्यक्ति जिसके पास काफी धन दौलत है, वो व्यक्ति कैसा होगा, टीमिंग होगा, परिपूर्ण होगा, उसके पास सब कुछ होगा, यानी वो भरा हुआ होगा धन दौलत से। तो टीमिंग मीन्स क्या हो गया, परिपूर्ण, भरा हुआ। तो ये भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला जो वर्ड है वो प्रोस्परस है। प्रोस्परस भी क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। प्रोस्परस भी क्या होता है, समृद्ध होता है, खुशहाल होता है, बहुत ज्यादा अमीर कोई व्यक्ति होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोस्परस। तो रिच, ओपुलेंट, टीमिंग और प्रोस्परस क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके, एफ्लुएंट के। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची होता है। यानी जो व्यक्ति अमीर है उसका पर्यायवाची क्या होगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द। यानी जो व्यक्ति एफ्लुएंट है उसका विलोम शब्द क्या होगा, वो गरीब होगा। तो इम्पोवरिस्ट क्या होगा, इम्पोवरिस्ट मीन्स होता है गरीब, गरीब या निर्धन। काफी अच्छा वर्ड है ये, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इम्पोवरिस्ट मीन्स होता है गरीब और निर्धन, या हम इसको पोअर भी बोल सकते हैं, पोअर पर्सन होता है, वो भी क्या होता है, इसका एफ्लुएंट का एंटोनिम्स होगा। एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द होगा। तो एफ्लुएंट का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, इम्पोवरिस्ट या पोअर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। बिकॉज द मैन वॉज सो एफ्लुएंट He was able to donate large sum of money to the organization. यानी क्योंकि उस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, इसलिए क्या है, वो समर्थ है कि बहुत बड़ा हिस्सा वो ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा धन दान कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट मीन्स क्या है, वो बहुत ज्यादा अमीर है, समर्थ है, खुशहाल है। देखिए एफ्लुएंट के बाद भी इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, और रिच के बाद भी इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। ओपुलेंट के बाद भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि रिच के साथ हम हमेशा इस इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, एफ्लुएंट के बाद हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और ओपुलेंट के बाद भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए अगला जो हमारा वर्ड है वो है एंटीक्विटी। एंटीक्विटी एक ऐसा वर्ड है जो हम अक्सर बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, अक्सर सुनते हैं। एंटीक्विटी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बींग एंशिएंट, यानी जो प्राचीन, कोई चीज प्राचीन हो, पुरानी हो बहुत ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीक्विटी बोलेंगे। यानी बहुत ज्यादा कोई प्राचीन चीज हो, बहुत ज्यादा कोई पुरानी चीजें हो, जैसे हमारे अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, वो क्या होता है, एंटीक्विटी थिंग्स होती है, वो बहुत पुरानी चीजें होती है। तो वो किसके अंदर आती है, एंटीक्विटी के अंदर आती है। तो एंटीक्विटी मीन्स क्या, प्राचीन या पुरानी। अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो हो गया एंशिएंट टाइम्स, यानी पुराने समय की, पुराने जमाने की जो चीजें होती है वो क्या होती है, इसकी सिनोनिम्स होंगे एंटीक्विटी के। अगर एंटोनिम्स की बात करूं, देखिए न्यू, अगर ये पुरानी है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। तो न्यू और लेटेस्ट क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्कॉलर्स स्पेंड ईयर्स स्टैंडिंग दी रिकॉर्ड लेफ्ट फ्रॉम एंटीक्विटी। यानी बहुत से स्कॉलर है वो काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं ताकि जो प्राचीन काल की वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी जुटा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है बेंडिशमेंट। बेंडिशमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। बेंडिशमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है फ्लेटरी। ये दोनों वर्ड्स एग्जाम में आए हुए हैं, काफी बार एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर दोनों वर्ड्स पूछे गए हैं। तो बेंडिशमेंट क्या होता है, बेंडिशमेंट में होता है फ्लेटरी। फ्लेटरी में
चापलूसी, चापलूसी यानी अगर कोई किसी की कोई चापलूसी करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंडिशमेंट बोलेंगे या फिर फ्लेटरी बोलेंगे। तो बेंडिशमेंट क्या हो गया, चापलूसी हो गया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स मींस क्या है, पर्यायवाची, इससे मिलता जुलता वर्ड और कौन से हो सकते हैं, तो देखिए साइकोपेंट होता है, ये भी बहुत पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, साइकोपेंट काफी एग्जाम में वर्ड देखने को मिलते हैं हमें। साइकोपेंट, साइकोपेंट मींस भी क्या होता है, चापलूस होता है। अच्छा चापलूस कौन होता है, चापलूस वो व्यक्ति होता है जो दूसरे का क्या करता है, अपने काम निकालने के लिए दूसरे की क्या करता है, उसकी बढ़ाई करता है या फिर उसकी थोड़ी बहुत गुलामी करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम साइकोपेंट बोलेंगे, उसको चापलूस बोलते हैं। यानी बेसिकली क्या करता है, चापलूस व्यक्ति अपना काम निकलवाने के लिए वो क्या करता है, उसकी क्या करता है, बढ़ाई करता है, ठीक है, या फिर उसकी थोड़ी बहुत खिदमत करता है। तो वो व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति फ्लेटर होता है, ऐसा व्यक्ति चापलूस होता है, साइकोपेंट होता है, बेंडिस ऐसा व्यक्ति होता है। और इस प्रक्रिया को हम चापलूसी बोलते हैं, साइकोपेंट बोलते हैं, बेंडिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेटरी, साइकोपेंट, चापलूसी क्या है, नाउन है, ये वर्ड्स क्या है, नाउन, ठीक है। एंटोनिम्स की मैं बात करूं, देखिए एंटोनिम्स क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, जो व्यक्ति चापलूसी कर रहा है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति अहंकारी होगा, घमंडी होगा, या रिजर्व्ड होगा, यानी रिजर्व मीन्स क्या होगा, आयशित होता है, यानी वो क्या होता है, किसी चापलूसी नहीं करता है, वो व्यक्ति कैसा होता है, रिजर्व होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए बेटर तरीके से, ड्यू टू दिस सेल्समैन्स बेंडिशमेंट द कस्टमर बाउट द जैकेट, यानी ड्यू टू मीन्स होता है कि कारण, ड्यू टू द सेल्स, जो सेल्समैन है यानी जो सामान बेचता है उसकी बेंडिशमेंट के कारण, बेंडिशमेंट मीन चापलूसी के कारण, सेल्समैन की चापलूसी के कारण कस्टमर ने यानी ग्राहक ने क्या किया, उस जैकेट को खरीद लिया। यानी जो सेल्समैन है उसने ऐसे चापलूसी की, उसने ऐसे दिखाया कि बहुत ही अच्छा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा सूट कर रहा है, तो आप बहुत अच्छा लग रहे हो इसमें देख के, तो उस बेंडिशमेंट के कारण क्या हुआ, कस्टमर ने उस जैकेट को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो बेंडिशमेंट क्या होता है, चापलूसी होता है, या इसको बोलते हैं कि इसको बहकाना फुसलाना भी होता है अपना काम बनाने के लिए। अगला जो हमारा वर्ड है वो चेस्टन है। देखिए चेस्टन मीन्स होता है टू, चेस्टन मीन्स टू यूज पनिशमेंट टू करेक्ट बिहेवियर, यानी चेस्टन मीन्स क्या होगा, किसी को पनिशमेंट देना ताकि जो उसका बिहेवियर करेक्ट बिहेवियर, जो उसका करेक्ट बिहेवियर नहीं है उसको करेक्ट किया जा सके। जैसे बच्चे होते हैं उस स्टार्टिंग में क्या शरारती होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, चेस्टन करते हैं, हम उसको पनिशमेंट देते हैं ताकि वो उनका बिहेवियर सुधार सके। जैसे कोई होते हैं वो टोबेको वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, चेस्टन करते हैं, उनको दंड देते हैं ताकि उनके इस बिहेवियर को सही किया जा सके। तो चेस्टन मीन्स क्या होता है, टू यूज पनिशमेंट टू करेक्ट बिहेवियर, बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए पनिशमेंट देना। इसका सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होगा, एडमोनिस होगा। एडमोनिस मीन्स क्या होता है, किसी को डांटना फटकारना ताकि उसको बिहेवियर को सही किया जाए, डांटना फटकारना या चेतावनी देना होता है। एडमोनिस का अर्थ क्या होता है, डांटना फटकारना। रिप्रीमाइंड मीन्स भी क्या होता है, डांटना फटकारना होता है या उसको चेतावनी देना होता है कि आप आगे से ऐसा मत कीजिए। पुलिस मीन्स क्या होता है, सजा देना। अगर इसके एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो एंटोनिम्स या विलोम शब्द इसका क्या होगा, टू रिवार्ड, यानी अगर हम उसको क्या है, पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उसको रिवार्ड करना, उसको इनाम देना हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, आई वॉज चेस्टन बाई माई मदर फॉर नॉट क्लीनिंग अप माई रूम, यानी मेरी मदर ने मुझे क्या किया, दंड दिया क्योंकि मैंने अपने रूम को क्या नहीं किया, क्लीन नहीं किया। तो चेस्टन मीन्स क्या होता है, दंड देना, इस उद्देश्य से कि उसके बिहेवियर को सही किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा वर्ड है वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मीन्स क्या होता है, वन हु अटैक एस्टेब्लिश्ड बिलीफ, यानी ऐसा पर्सन जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ है उन पे क्या है, अटैक करे। वो व्यक्ति कैसा होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है, यानी रिवाज तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे, यानी रिवाज तोड़ने वाला या फिर इसको वैसे बोलते हैं मूर्ति तोड़ने वाला। जो मूर्ति तोड़ने वाला कोई व्यक्ति होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। जैसे मुगल एम्पायर के अंदर हम देखते हैं कि जो औरंगजेब था वो कैसा पर्सन था, आइकोनोक्लास्ट था, ठीक है। वो क्या करता था, मंदिर तुड़वाद, जहां भी उसको मंदिर दिखता था, जहां पर भी उसको मूर्तियां दिखती थी उसको वो तुड़वा लेता था। तो औरंगजेब क्या था, एक आइकोनोक्लास्ट व्यक्ति था जो रीति रिवाज को तोड़ने वाला था, मूर्तियों को वो तोड़ने वाला था। तो जो पर्सन अटैक करता है एस्टेब्लिश्ड बिलीफ पे, वो व्यक्ति कैसा था, आइकोनोक्लास्ट होता है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इसका सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स मींस पर्यायवाची, जिसे मिलता जुलता वर्ड है
वो क्या है, हेरेटिक है। हेरेटिक मीन्स क्या होता है, विधर्मी। विधर्मी देखिए, विधर्मी, विधर्मी से पता चल रहा है वर्ड से हमें कि जो धर्म का पालन नहीं करे ऐसा व्यक्ति क्या होता है, विधर्मी। यानी जो धर्म के अगेंस्ट जाकर काम करे वो व्यक्ति कैसा होता है, विधर्मी होता है। तो हेरेटिक मीन्स क्या होता है, विधर्मी। और भूमिहीन भी क्या होता है, विधर्मी होता है। विधर्मी या उद्दंड, जो उद्दंड व्यक्ति होता है जो धर्म के अगेंस्ट कार्य करता है वो कैसा होता है, भूमिहीन होता है। इसका एंटोनिम्स देखें तो देखिए एंटोनिम्स क्या होगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, अनुशासित। जो व्यक्ति विधर्मी होगा उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्राइवेसी क्या हो जाएगा, वो अनुशासित होना चाहिए वो व्यक्ति। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिसिप्लिन। देखिए एग्जांपल समझते हैं, द चर्च इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, अंडर अटैक बाई आइकोनोक्लास्ट। देखिए जो चर्च है उस पर लगातार है वो जो आइकोनोक्लास्ट पर्सन है, आइकोनोक्लास्ट पर्सन ऐसे व्यक्ति जो रिवाज को तोड़ते हैं, मूर्ति आदि को तोड़ते हैं, चर्च आदि को तोड़ते हैं, उन वो क्या कर रहे हैं, उसको लगातार अटैक कर रहे हैं। तो आइकोनोक्लास्ट मीन्स हो गया रिवाज तोड़ने वाला, मूर्ति तोड़ने वाला। अगला जो हमारा वर्ड है वो है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मीन्स होता है चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबली, यानी जो जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सके, यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज हो उसको हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरियल पर्सन बोलेंगे। यानी ऐसा व्यक्ति जो अस्थिर हो, जो चंचल हो, चंचल अस्थिर मीन्स ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कब चेंज हो जाए। जैसे जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं वो पता नहीं चलता है उनका, आज वो एक पार्टी में पता नहीं कल वो दूसरी पार्टी में चले जाए, तो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, वो मर्क्यूरियल होते हैं। तो मर्क्यूरियल मीन्स होता है चेंजिंग अनप्रिडिक्टेबल, जिसका चेंज होना अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो कब चेंज हो जाए, वो व्यक्ति मर्क्यूरियल होते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो देखिए सिनोनिम्स क्या होगा इसका, कैप्रिशियस होगा, इनकॉन्स्टेंट होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थिर होता है, इनकॉन्स्टेंट भी मीन्स अस्थिर होता है, लगातार होता है, उसको पता नहीं कब चेंज हो जाए। और कैप्रिशियस भी मीन्स यही होता है, जबकि सनकी होता है, जबकि वो सनकी जो व्यक्ति होता है उसका पता नहीं होता कि वो कब क्या करे। तो कैप्रिशियस भी क्या होगा इसका, सिनोनिम्स हो गया किसका, मर्क्यूरियल का। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स होता है स्टोलिड। स्टोलिड मीन्स होता है स्थिर, जो व्यक्ति स्थिर होता है, जिसके विचार स्थिर होते हैं, वो व्यक्ति कैसे पर्सन होता है, स्टोलिड होता है। देखिए ड्यू टू हिज मर्क्यूरियल टेम्परमेंट एम्प्लॉयर ऑलवेज अप्रोच हिम केयरफुली एंड श्योर टू व्हाट हिज मूड वुड बी। यानी उसका बिहेवियर ऐसा, मर्क्यूरियल ऐसा उसका बिहेवियर है कि कब चेंज हो जाए, तो एम्प्लॉयर ऑलवेज अप्रोच हिम केयरफुली, तो जो एम्प्लॉयर है वो उसके पास ध्यानपूर्वक या फिर सतर्कता से उसके पास पहुंचते हैं, अप्रोच लेकर, अपनी कुछ क्यूरी लेकर, क्योंकि उनको पता नहीं कि व्हाट उसका मूड कैसा, व्हाट हिज मूड वुड बी, पता नहीं उसका कैसा मूड हो। तो मर्क्यूरियल मीन्स होता है चेंजिंग अनप्रेडिक्टेबल, जिसको चेंज करना, जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि वो कब कैसे चेंज हो जाए।